सो गाइस अगेन मैं हूं यहां और आप हो वहां, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नई चीजों के बारे में जिसको बोलते हैं इंस्टाग्राम रीसेलिंग, और यू कैन से रीसेलिंग ऑन इंस्टाग्राम। यस गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं रीसेलिंग बिजनेस कैसे आप इंस्टाग्राम में बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बोलूंगा, बिकॉज ये टॉपिक के बारे में मैंने कभी बात नहीं किया, और मैं आपको यहाँ से ए टू जेड जितना मैं आपको बता सकूँ इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट वीडियो रखूंगा और बिलीव मी पूरी क्वालिटी कंटेंट से भरी है वीडियो, लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। माय नेम इज टियान, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपने कभी रीसेलिंग ट्राई किया है? यस या नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। सो आने वाली वीडियोस में मैं और भी फाइन तरीके से आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। तो रिसेंटली मैंने रीसेलिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है कि रीसेलिंग होती क्या है, कैसे क्या होती है, मतलब कि फाउंडेशन में घुस गया हूं मैं। सब स्टार्ट किया है कि सो की का कैसे कहाँ कैसे कुछ होता है, कैसे अर्निंग होती है इसमें, और बहुत सारी चीजें मुझे जानने मिल रही है। तो आज की वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है रीसेलिंग के ऊपर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये रीसेलिंग क्या चीज है और रीसेलिंग से आप कितना अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारा आपके लिए डाटा मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं जो रीसेलिंग बताने वाला हूँ वो इंस्टाग्राम पे बताने वाला हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम इसमें बहुत बड़ा बूम वाला प्लेटफॉर्म है, लाइक दैट यू नो। सो इंस्टाग्राम पे हम बात करेंगे कि आप इंस्टाग्राम पे रीसेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीसेलिंग के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, राइट? तो आप उस प्रोडक्ट को उठा सकते हैं मैसो से, ईबे से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। यस, अब मुझे पता है कि रीसेलिंग के लिए मैं कहा अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ईबे, तीनों ही उसके लिए नहीं बने, लेकिन कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? और मैसेज है, मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, और क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीसेलिंग में। तो सबसे पहले आपको करना ये है गाइज कि आपको आईजी अकाउंट बनाना है, पर्सनल बिल्कुल नहीं, एक अच्छा पेज आपको बनाना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। अब गाइस, दो चीज होती है, जैसी जब आप पेज बना लोगे एंड उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लो, क्या आप शूज सेल करोगे, क्या आप टी शर्ट सेल करोगे, क्या आप मग सेल करोगे, क्या आप वीडियो गेम सेल करोगे, क्या आप कार्स, क्या आप गैजेट्स, क्या आप सेल करोगे, इट्स डिपेंड ऑन यू। उसके बाद गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसको बोलते हैं इंस्टाग्राम। आई नो ये थोड़ा फनी है, बट इंस्टाग्राम है ये, और इंस्टाग्राम में गाइज क्या होता है, लोग पोस्ट डालते हैं, लोग लाइक करते हैं, मजा आ जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं होता है। इंस्टाग्राम मतलब पैसे का एटीएम। यस गाइज, आज के समय में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, इंस्टाग्राम उनके लिए पैसे का एटीएम है, और आप भी एक मार्केटर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसको अपने पैसे का एक एटीएम बनाओ। तो ये अकाउंट है गैरीवी, द लेजेंड यू कैन से इन डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। सो इस ये बंदे के कॉन्टेंट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं एज यू नो, बट इनके ग्रोथ की सबसे बड़ी एक वजह है वो ये है गाइज, वीडियोज, यू नो, वीडियोज। वीडियोज इसलिए गाइज क्योंकि वीडियो लोग आजकल देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वीडियो पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। तो जब भी आप रीसेलिंग किसी भी प्रोडक्ट की करने की कोशिश करें तो वीडियो बनाए, प्लीज वीडियो बनाएं। और वीडियो बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं फिल्मोरा, क्विक ऐप एक नाम आता है, और तीसरा जो है इनशॉट, ये भी एक ऐप है। तो आप इन तीनों चीजों का यूज कर सकते हैं, जो तीनों ही फ्री टूल्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, इवन फोटोज की वीडियो बना सकते हैं आप क्विक ऐप का यूज करके, प्लस इनशॉट का भी और फिल्मोरा का भी। बट क्विक में आप सिर्फ फोटोज में डालेंगे और एक बटन क्लिक करेंगे तो जो पूरे इमेजेस हैं उसका एक पूरा वीडियो बन जाएगा। तो गाइस, सबसे जरूरी जो चीज बतानी थी आपको ये बतानी थी कि आप अपना एक पेज बनाएं एंड वहां वीडियो डालें कभी भी आप रीसेलिंग करने जाएं। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं और भी मैं आपको आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, ओके? देन उसके बाद गाइज, मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड पेज। अब इस पेज पे आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा इस पेज पे फोटोज मिलेंगी, फोटोज 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 मिलेंगी। बट गाइज, अगर आप फोटोज का यूज करते हो तो आप ऐसे फोटोज का यूज करो जो फोटो गाइज बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव है, प्लस बहुत ज्यादा वायरल है। लाइक हर नीच में, चाहे आप कुर्ती बेचते हो, चाहे आप शूज बेचते हो, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसा फोटो आपको ढूंढना होगा, सर्च करना होगा इंस्टाग्राम में जो टॉप में है और बहुत अच्छे लाइक एंड कमेंट उसमें आए हैं।
उन फोटोज का आपको यूज करना है जब भी आपको कुछ बूस्ट करना है अपने प्रोफाइल में, मतलब जब आप इसको शुरू करोगे तो आपको ऐसे ही पोस्ट का यूज करना है। व्हाई? बिकॉज इंस्टाग्राम क्या है, जो सिमिलर पोस्ट होते हैं और जिन पे इंगेजमेंट, कमेंट और लोगों का अटेंशन ज्यादा होता है, उस चीज को हमेशा बूस्ट करता है। तो ऐसे आपको बूस्ट मिलेगा आपके अकाउंट से। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है गाइस, देखो आप एक ब्रांड बना रहे हो, आप रीसेलिंग नहीं कर रहे हो गाइस, क्योंकि जब आप बताओगे लोगों को कि आप यहाँ से सामान उठाते हो या रीसेलिंग करते हो, अगर ऐसा लोगों को पता चलता है तो लोग उस समय नेगेटिव सोचने लगते हैं आपके बारे में। इट्स मीन कि आप एक रीसेलर नहीं, आप एक ब्रांड हो। ब्रांड मतलब कि आपका नाम बहुत अच्छा होना चाहिए और आप जितने भी पोस्ट डालते हो उनको आप अपने हैंड से कैनवा में जाओ और खुद बनाओ। बनाने के वक्त आप ध्यान रखो कि आपको हमेशा अपना नाम वहां पर लगाना जरूरी है। मान लो आपका नाम राहुल है और आपने खोला है राहुल शूज, तो राहुल शूज वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक दिस, ये है फाउंडर, तो ये देखो हर पोस्ट के नीचे लिखते हैं फाउंडर। सो मेक यूर सेल्फ ब्रांड, नॉट अ रीसेलर। याद रखो ये जो चीजें बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा ये ट्रिगर करती है बायर्स को। ओके, देन उसके बाद आती है स्टोरी की बारी। स्टोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप कोई पोस्ट डालो तो उसको स्टोरी में पहले डालो या बाद में डालो, बट डालो जरूर, बिकॉज स्टोरी आजकल लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। बिकॉज वहां पर एक छोटा सा देखना, ऊपर में एक लाइन होता है रेड कलर का जो ऐसे जाता है, जो सबकॉन्शियसली लोगों को ट्रिगर करता है कि हाँ भाई ये तो खत्म होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो लोगों को क्यूरियस करता है और लोग स्टोरी देखते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है गाइज, वो मैं आपको बताऊं कि आप जब ब्रांड अपना बिल्ड करने लगोगे, आप अपना नीश चुन लोगे। गाइज जो मैंने चीज कही है कि आपको जो नीश चुनना है वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। अगर आप शूज सेल कर रहे हो तो सिर्फ शूज पे ध्यान दो, बिकॉज जब आप एक चीज सेल करोगे तब ही आप अच्छे से उस मार्केट को बड़ा कर पाओगे। आप पहले दिन से इसमें अर्निंग नहीं कर सकते अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप पेड एड्स का यूज कर सकते हो, और मैं आपको बोलूंगा कि आप स्टोरी एड का यूज करो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था स्टोरी एड कैसे यूज करते हैं, तो वो वीडियो जाके जरूर देखो और स्टोरी एड का यूज करो ताकि आपको ज्यादा एंगेजमेंट और ज्यादा सेलिंग आए अगर आप एक पेड मेंबर हो तो। थर्ड जो चीज है गाइस, यूज हैशटैग। कम से कम 7 से 8 हैशटैग हर पोस्ट में यूज करो, बट वो एक सटीक एग्जैक्ट हैशटैग होना चाहिए। अगर सूज कर रहे हो तो सूज पे ही यूज करो। आप इसके लिए यूज कर सकते हो displaypurpose.com, एक ऐसा टूल है जहां पर आपको सारी चीजें, सारे हैशटैग मिल जाते हैं फ्री में। बस आप सूज लिख दोगे तो उसके सारे हैशटैग आ जाएंगे, देन उसमें से चूज करो और वो हैशटैग यूज करो। ओके, और इसके लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बना दी थी, आप उसको जाके देख सकते हो। आप ढूंढोगे इंस्टाग्राम हैशटैग डिस्प्ले प्रोस तो आ जाएगा और वो वीडियो में ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, स्ट्रेटजी। मेक स्ट्रेटजी टू सेल एनीथिंग, राइट? अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, रीसेलिंग बिजनेस ऑन आईजी। ओके, तो अब मैं जैसे कहा कि स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आपका ब्रांड बनने लगा, आप रेगुलर हो चुके हो अपने बिजनेस के लिए, रीसेलिंग बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम के लिए, देन आपको क्या करना है, आपको एफबी ग्रुप्स में जाना है अपने छोटे छोटे 10-10 और 5-5 सेकंड के ट्रीजर्स लेके। ट्रीजर्स क्या होते हैं? ट्रीजर्स वही, जब कोई पिक्चर लॉन्च होती है तो वहां पर आपको छोटा सा कुछ क्लिप दिखाया जाता है और कहा जाता है कि प्लीज इस पिक्चर को जाके फ्राइडे को इतने बजे जाके जरूर देखें। और उस क्लिप में क्या रहती है, हाइलाइट्स। हाइलाइट्स इसमें इनकी जो चीज आपको क्यूरियस बनाती है और आप उस चीज को देखने के लिए एकदम तैयार हो जाते हो, हाँ भाई मैं जाके देखूंगा। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े चीजों को आपको फेसबुक ग्रुप में डालना है, जो ग्रुप आपके नीश से रिलेटेड है ओनली। बिकॉज जितना ज्यादा आप लोगों को सही से टारगेट कर पाओगे उतना ज्यादा आप सेलिंग कर पाओगे। ओके, सो आपको उस ग्रुप में जाना है, प्लस आपको अपनी ब्रांडिंग भी वहां करनी है। नीचे ऊपर या लास्ट में आपको अपना नाम डालना है अपने इंस्टाग्राम स्टोर का और बोलना है 20%, 50% एंड वॉट एवर आप ऑफर जो भी देना चाहते हो वो ऑफर वहां पर दो, और प्लीज विजिट ऑन माई इंस्टाग्राम। और जब भी आप लिंक डालोगे अगर अपने इंस्टाग्राम का कि विजिट माई इंस्टाग्राम, वो हमेशा कमेंट में होना चाहिए। और
ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर लिखना चाहते हो पोस्ट में तो लास्ट में अपने इंस्टाग्राम का हैंडल नेम वो लिख दो, या पूरी लिंक www.instagram.rahulshoes.com लाइक दैट, ओके, नीचे ऊपर या लास्ट में लिख सकते हो। याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। एफबी ग्रुप से आप बहुत फास्ट लोगों को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, वो ये है कि ऑफर ऑफर बहुत अच्छा दो। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपावली में आप बहुत सेल कर सकते हो। बिलीव मी, ये मैं पिछले साल कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से सेल किया है मैंने, फेसबुक ग्रुप के थ्रू मैंने किया था। इसीलिए ये जो फंडा है मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो दीपावली में काफी बड़ी अर्निंग कर पाओगे। ओके, देन जब बंदे आपके पास आने लगे हैं, आपको डीएम करने लगे हैं कि सर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्हें जब सेलिंग आप स्टार्ट कर देते हो, जब आप उनको सेल करते हो चीजों को, उसके बाद उन्हें एक ऑफर दो कि गाइज प्लीज ज्वाइन आवर प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट? प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। अब गाइस देखो, ये प्रीमियम जो शब्द है ना, वही लोगों के दिमाग में एक ऐसा चीज पैदा करता है कि दैट वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, राइट? किसको देना है ये? जो बायर है आपके, जो लोग आपसे खरीदना स्टार्ट कर दिए, प्लीज ज्वाइन आवर प्रीमियम ग्रुप। क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कराना है आपको व्हाट्सएप पे। देखो, जब आप व्हाट्सएप का अपना नंबर देते हो ना, तो ये थोड़ा प्राइवेट चीजें होती हैं, तो लोगों के सबकॉन्शियसली ऐसा फील होता है उनके माइंड में कि हाँ भाई, ये बंदा मुझे अपने जोन में लेके आ रहा है, मतलब मुझे एक प्राइवेट पर्सन समझ रहा है, स्पेशल पर्सन समझ रहा है। ओके, देन आपको क्या बोलना है कि ये जो प्रीमियम ग्रुप है, ये 11 रुपये, 29 रुपये या 21 रुपये में है। ओके, यहाँ पर बस पैसा इसलिए लगाया जा रहा है कि उनके माइंड में लगे हाँ भाई, ये प्रीमियम है। अब प्रीमियम में क्या होगा कि आपको ये देना है कि जितने भी हमारे बेस्ट ऑफर्स आते हैं और जितने भी हमारे लिमिटेड ऑफर्स आते हैं, वो आपको पहले दिए जाएंगे, क्योंकि आप हमारे बायर हैं इसलिए आपको पहला दिया जाएगा। और ये 21 रुपये में, ये हमारे लाइफ टाइम के लिए आपको इसमें ऐड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, सबकॉन्सियसली वो हमेशा सोचेंगे कि हाँ भाई, हम स्पेशल हैं, और जब भी आप कोई ऑफर दोगे उन्हें तो वो परचेस करेंगे। 80% चांस ये है कि वो परचेस करेंगे, बिकॉज दे आर स्पेशल मेंबर्स इन द ग्रुप। अगर आप ऐसे 100 मेंबर भी कर लेते हो, तो आपकी ये जो मेंबर्स हैं गाइस, बिलीव मी, ये जो मेंबर्स हैं ये आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। इसका मतलब अगर 10, 20, 50 लोग अगर डेली कुछ, मतलब हर महीने कुछ खरीदते हैं, तो आपको 10-20 हज़ार रुपए ऐसे ही इजी अर्निंग हो जाएगी। और बिलीव मी, जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं। अगर आप ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हो और 100-200 लोगों को अपने ग्रुप में ला लेते हो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, एज अ पैसिव इनकम प्लस सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान। और ये लोग पेड मेंबर भी रहेंगे, 11, 22 रुपए, 50 रुपए ले सकते हो 100 के अंदर ही लोग, कि ताकि लोग इजी दे दें और ज्वाइन हो जाए। 11 मैंने इसलिए कहा कि लोग जब 11 बोलोगे, 11 रुपए लो अभी दे दो, अभी दे देंगे, ठीक है? तो ऐसे करके आपको पूरा इस बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करना है। याद रखना, वीडियो का यूज करो, अगर आप पोस्ट का यूज करते हो तो उसमें अपनी ब्रांडिंग करो, प्लस वायरल पोस्ट को फाइंड करने की कोशिश करो। लास्ट में गाइस, जो चीज मैंने कही कि अपना आप कर सकते हो रीसेलिंग ईबे से, ओके, अमेजोन से एंड फ्लिपकार्ट से। अब क्या होता है गाइस, देखना, आप जब थोड़े अलग अलग गांव में जाओगे ना, अभी जो Tier 3 की सिटीज हैं इंडिया में ही, वहां जब आप जाओगे ना, तो देखना वहां के जो आजकल के जो सेलर्स हैं, जो दुकान खोल के रखे हैं, उन लोग क्या करते हैं, लोगों के लिए सामान अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। तो ये बिजनेस मैंने देखा कि वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको ये चीज खरीदनी है, वो लोग देख लेते हैं हाँ ठीक है भाई, मैं आपके लिए मंगा दूंगा। तो अब क्या होता है, जैसे कि वो लोग होलसेल से मंगाते हैं 1, 2, 4, तो उनको बहुत महंगा पड़ता है, बट जब वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं और देन वही चीज को वो लोग रीसेल कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप भी उन चीजों को उठा के दिखा सकते हो और उसका ज्यादा पैसा लगा के सेल कर सकते हो। गाइस बिलीव मी, कोई भी इतना वो नहीं रहता कि 1,000-2,000 रुपए कपड़े के लिए वो जाए और कुछ सर्च करे बार बार अमेजोन में फ्लिपकार्ट में, कोई नहीं करता। अगर उसको पसंद आएगा, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और वो आपसे लेगा। तो गाइस, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्लिपकार्ट, ईबे और
अमेजोन, तीनों की चीजों को सेल कर सकते हो इजी। ये बिजनेस मॉडल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो इस चीज को तो आप कम से कम अक्टूबर में लाखों रुपए की अर्निंग कर पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंट तौर पे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो और इस चीज को अप्लाई करते हो, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मैसेज करके। जब भी मुझे टाइम रहेगा आपको 100% मैं रिप्लाई दूंगा। लाइक करो इस वीडियो को, नए चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।